2021-22 में आने वाली हैं आरडीजे की बहुत सारी मूवीज, और देखिए वो एमसीयू में भी देखने को मिलेंगे, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स। बहुत से लोगों का कहना था कि एमसीयू में अब आरडीजे नहीं दिखेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाली दो फिल्में ऐसी हैं जहां आपको आरडीजे दिखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, हमारे आयरन मैन की। देखिए एंड गेम को आए 2 साल हो गए हैं, उसके बाद आरडीजे कहीं दिखे नहीं हैं। ऐसे में आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार अपकमिंग मूवीज कौन सी है, कहाँ काम कर रहे हैं और कब आएंगी ये मूवीज। तो आपको बता दूं आपने बहुत इंतजार कर लिया है, 2021-22 में आने वाली हैं आरडीजे की बहुत सारी मूवीज, और देखिए वो एमसीयू में भी देखने को मिलेंगे, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स। बहुत से लोगों का कहना था कि एमसीयू में अब आरडीजे नहीं दिखेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाली दो फिल्में ऐसी हैं जहां आपको आरडीजे दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली फिल्म से। सबसे पहली फिल्म इनकी आने वाली है 21 दिसंबर 2021 को। फिल्म का नाम है शर्लोक होम्स 3। देखिए आपने शर्लोक होम्स के पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे, अगर तुमने 2 पार्ट देखे हैं तो तुम ना जाने कितने सालों से सोच रहे हो कि भाई तीसरा पार्ट कब आएगा हमें देखना है। तो मैं आपको बता दूं फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद AI काम बच जाएगा, आफ्टर इफेक्ट्स का काम बच जाएगा, और उसके बाद दिसंबर में सोच रहे हैं इस मूवी को लाने के लिए। देखिए बहुत बड़ी हिट मूवी थी, बहुत बड़ी हिट फ्रेंचाइजी है शर्लोक होम्स, और काफ़ी फ्लॉप्स के बाद आरडीजे ने शर्लोक होम्स दी थी जिससे कि दर्शकों का प्यार उन्हें वापस मिला था। अब ऑलरेडी इनके पास इतना प्यार, उसके बाद शर्लोक होम्स आ रही है, तो आप सोच सकते हो इस फिल्म का लेवल। दोस्तों बात करते हैं दूसरी फिल्म की, जिस फिल्म का नाम है ऑल स्टार वीकेंड। देखिए आपने पहले भी देखी होगी एक मूवी जिसमें इनके साथ एक और कलाकार थे और मूवी का नाम था द ड्यू डेट। अब जैसे द ड्यू डेट थी ऐसी है मूवी ऑल स्टार वीकेंड। देखिए एक रोड ट्रिप है जहां पे ये अपने सितारे से मिलने जाते हैं, फेवरेट एक्टर से मिलने जाते हैं, फेवरेट एक्ट्रेस से मिलने जाते हैं, इस चीज़ को भी सस्पेंस रखा गया है। ये 2 दोस्त हैं और ये जर्नी बहुत ज़्यादा फनी होने वाली है। देखिए एक्शन मूवीज़ में आप इनको देख चुके हैं, आप इनको थ्रिलर मूवीज़ में देख चुके हैं, लेकिन आपने इनको कॉमिक मूवीज़ में बहुत कम देखा होगा। और मैं आपको बता दूं आरडीजे की कॉमिक मोमेंट बहुत ज़बरदस्त है, इनकी कॉमिक सेंस बहुत खतरनाक है। तो आप उनको देखने वाले हैं बहुत जल्द एक ऐसी मूवी में जहां बस ये दर्शकों को हंसाएंगे, जहां मुक्के लात नहीं चलेंगे, जहां अपनी बातों से ये दुनिया को अपना फैन फिर से बनाएंगे। दोस्तों ये मूवी बताई जा रही है कि ये भी 2021 में ही रिलीज होगी, कब होगी कैसे होगी अभी तक इस बात का सस्पेंस रखा गया है, लेकिन 2021 में ही इस मूवी को बताया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं 2022 की मूवीज की। दोस्तों एक मूवी है जिसका नाम है ए हेड ऑफ फुल ऑफ घोस्ट, मतलब कि अब भाई साहब ने अपना जोनर बदल दिया है, अब ये हॉरर मूवीज में भी आने वाले हैं। ये स्टोरी बेस्ड होगी एक ऐसे आदमी की जो कहीं पर किराए पर मकान लेता है और उनके जो पड़ोसी हैं उन सब के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे के सारे भूत से ग्रसित हैं और ये बंदा उनको बचाने के लिए क्या करता है। देखिए एवेंजर्स के साथ मिलकर भाई ने बहुत बार दुनिया को बचाया है, लेकिन अब की बार उन्होंने सोचा है कि दुनिया को बाद में बचाएंगे, पहले बचाएंगे पड़ोसियों को। तो ये मूवी भी थोड़ी फनी होने वाली है और बहुत ज्यादा हॉरर होने वाली है। अब आरडीजे काम कर रहे हैं तो फिल्म का बजट तो बढ़ ही गया होगा, तो ऐसे में बताया जा रहा है आज तक तुमने ऐसी कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी होगी जैसी ये आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं अगली मूवी की जिसका नाम है एज ऑफ AI। देखिए पूरी की पूरी स्काईफाई मूवी होगी और स्काईफाई मूवी मतलब कि धमाका, AI मतलब कि आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब कि अब तुम देख सकते हो इस मूवी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। और इस मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि इसका बजट अवतार के बराबर रखा गया। अब अवतार का बजट तुम देख सकते हो अवतार किस लेवल की थी, कैसी स्काईफाई मूवी थी। तो बता रहे हैं कि एज ऑफ AI भी उसी प्रकार की और उससे भी ज्यादा डेंजरस मूवी होगी, तो इसमें भी आरडीजे भाई देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं इसी साल आने वाली कुछ ही महीनों में फिल्म की। देखिए आपको पता होगा कि MCU से भाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन MCU की फिल्मों में भी दिखेंगे भाई साहब आरडीजे। और कौन सी फिल्म में दिखेंगे मैं आपको बता दूं, फिल्म का नाम है ब्लैक विडो। देखिए ब्लैक विडो नताशा के ऊपर है पूरी की पूरी, कैसे उन्होंने आयरन मैन 2 में अपना डेब्यू किया था और उसके बाद एवेंजर्स की टीम का अहम हिस्सा बन गई। दोस्तों बताया जा रहा है कि आयरन मैन इस मूवी के साथ साथ एक और MCU की मूवी में दिखेंगे जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। देखिए बात तो बिल्कुल स्ट्रेंज सी है, क्योंकि आपका कहना होगा कि यार डॉक्टर स्ट्रेंज में आयरन मैन क्या करेगा, वहां तो थोर को होना चाहिए, लोकी को होना चाहिए, वहां पर आयरन मैन भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दूं डॉक्टर स्ट्रेंज में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं आयरन मैन, जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने में। लेकिन ये सब कुछ प्रेजेंट में नहीं हो रहा, ये सब होगा पास्ट में।
डॉक्टर स्ट्रेंज जाएंगे पास्ट में और उसके बाद वो मिलेंगे आयरन मैन से और उनसे पूछेंगे उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों ये वो सारी मूवीज जिनमें आरडीजे भाई दिखेंगे और अलग अलग अवतार में दिखेंगे। अगर आप आरडीजे के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आप किस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और सितारे की दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।